मेरी गो राम, इट मीन्स मेरी गो राम क्या है? एक झूला है जिसके ऊपर एक बच्ची बैठ रही है, तो वो अपने बारे में बता रही है कि मैं मेरी गो राम पे बैठ रही हूँ। वो घोड़े घोड़े वाला झूला देखा है आपने, जो गोल गोल घूमता है, तो उस झूले पे ये बैठ रही है। अब वो कह रही है कि मैं मेरी गो राम पे बैठ रही हूँ, उस ब्राउन कलर के घोड़े ने मुझे इतना चक्कर दिलाया, इतना बुरा था कि मुझे गोल 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 बहुत ज्यादा देर तक घुमाते रहा। उसने अपने बारे में रहा। इस टाइप का ये चैप्टर है, तो ये आपकी पूरी पोयम है जिसमें आपने पढ़ोगे तो आपको यही दिखेगा कि मेरी गो राम पे एक छोटी सी बच्ची बैठ गई है और वो गोल 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 उसे घुमाए जा रहा है, और वो अपने घोड़े के बारे में बता रही है कि वो घोड़ा जो है वो मुझे राउंड 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 घुमाए जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले आ गया कि क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब मैं घोड़े के ऊपर बैठ गई हूँ। अब जब वो घोड़े के ऊपर आप बैठे तो राउंड तो होता है, ऊपर नीचे भी होता है, तो क्लाइंब मतलब टू गो अप, ऊपर की ओर जाना। उसके बाद में राउंड मतलब गोल सर्कल, वो गोल से झूले पे बैठी थी, गोल सर्कल वाले झूले पे। नेक्स्ट है सेट, इट मींस उस पे बैठना, तो सीट हो जाएगा। अराउंड, अराउंड मतलब ऑन ईच साइड, अराउंड मतलब पूरा गोल घूमना, मतलब हर साइड पे वो गोल गोल उसे घुमा रहा था। अब यहां पे क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड कैसे चल रहा था? तो राउंड एंड मेरी गो राउंड कैसे चल रहा था? गोल और गोल, तो राउंड एंड राउंड। नेक्स्ट है हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो, जो बिग ब्राउन हॉर्स था वो कैसे चल रहा था? झूला जो है वो तो राउंड झूला था, और बिग ब्राउन हॉर्स कैसे चल रहा था? तो वेंट अप एंड डाउन, मतलब घोड़ा जो है वो ऊपर और